शिकार दबे पांव किया जाता है, और आपने तो पैरों पे घुंघरू बांध ली, चलेंगे तो शोर आएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है मुश्ताक कि इस तरह से बख्तावर शाह का रास्ता रोके। मैं इत्तफाक समझ के छोड़ रहा हूं तुझे। ये महज इत्तफाक नहीं है शाहजी, शुक्र करें हमारे बीच चौराहे किसी जगह आमना सामना नहीं हुआ, उधर भी मुझे आपको ऐसे ही रोकना पड़ता। ज़ैना, ज़ैना, आप बात समझे शाहजी, हौसला रखें, ठंडे होते। शाहजी क्या हुआ है? समझाओ बड़े मुश्ताक भरा को, ओ गड्डी पे झंडा क्या लगा है? मुश्ताक शाह का तो दिमाग ही पता नहीं कहां चला गया है, ओ मुझे रोक रहा है जाने से। तो क्या हुआ शाहजी, रुक जाते ना। शाहजी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, शिकार दबे पांव किया जाता है, और आपने तो पैरों पे घुंघरू बांध लिए, चलेंगे तो शोर आएगा, आपका रुकना ही ज्यादा जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? शाहजी ये बकवास नहीं, ये देखे आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान साकिब नजीब, आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज। नाज़रीन एक ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलेंगे, जहां सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। नीलोफर जो कि एक थिएटर की मशहूर आर्टिस्ट है, उनके घर में बख्तावर नामी जमींदार घुस आया है, और घुसकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को भी हरासा कर रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अब तक कोई भी इकदाम नहीं उठाया। आइए आपको उस वीडियो को दिखाते हैं। और ये देखिए, बख्तावर शाह हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, जो मेरे बाप को धमका रहे, मुझे किडनैप करना चाह रहे दो गुंडों के साथ। एक ही बकवास चल रही है। बकवास नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है बख्तावर शाह, तुम्हारा असल चेहरा देख रही है। हाँ जी, परी के व्यूवरों, और समझाओ इस लड़की को जरा, और इसके बाप को भी। मैंने एक फैसला रखा है कि कल रात को निकाह की तारीख लेने आऊंगा, अगर इनका फैसला वो ना हुआ जो मेरा है, तो उसके बाद इनकी कल की रात नहीं मुकनी। ठीक है, पूरे शहर में आपके चर्चे चल रहे हैं। बख्तावर शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। फर्क मुझे पड़ता है, इस झंडे की वजह से हमें 2-3 घंटे मिले। अब मेरी बात समझे, आपका रुकना ही मुनासिब होगा। और गल सुन मेरी, गीदड़ अगर शेर को ललकारने लगे ना तो कयामत आ जानी है। शेर है बख्तावर शाह, शेर। गीदड़ों लगड़ बग्गों की धमकियों से नहीं डरता वो, और अगर डर गया ना तो शेर को शेर कौन कहेगा? शाहजी ये आपका जंगल नहीं है, ये शहर है, और शहर के लोग शेर को या चिड़ियाघर में या जंगल में देखना पसंद करते हैं। तेरी जिंदगी बहुत अजीज है बेटा, भाई की बात मान जा, तुझे खतरा ना होता तो ऐसे थोड़ी रोकता वो। शाहजी मैंने उनको अपनी तरफ बुला के माफी तलाफी की बात कर ली, और अगर आप चाहे तो मीटिंग 1-to-1 भी हो सकती है। एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।